बघेली में पहली फीचर फिल्म प्रीति के बंधन रीवा और सतना के थिएटरों में रिलीज हुई है। आपको बता दें कि प्रीति के बंधन फिल्म का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। बीच में कोविड-19 के कारण इसके रिलीज होने में दर्शकों को इंतजार करना पड़ा। बघेली भाषा की पहली फीचर फिल्म प्रीति के बंधन रीवा के समदरिया गोल्ड थिएटर और सतना के म्यूजिका थिएटर हॉल में रिलीज हुई है। इस बघेली भाषा की फिल्म प्रीति के बंधन को देवेंद्र सिंह ने बनाया है। सिटी एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज हुई बघेली भाषा की फिल्म प्रीति के बंधन में श्याम चरण यादव के लेखन और निर्देशन में बनी है। बघेली भाषा की इस पहली फिल्म में चंद्रकांत द्विवेदी ने नायक की भूमिका निभाई है, जिसमें बघेली भाषा की महिला कलाकार पूजा तिवारी भी बघेली भाषा की फिल्म प्रीति के बंधन में अपना जलवा बिखेर रही हैं। फिल्म के संगीतकार अशोक सिन्हा व रितेश मिश्रा हैं। बघेली भाषा की पहली फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होते ही विंध्य व बघेल खंड के दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस फिल्म को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला भी अपने समर्थकों के साथ हैं। अपने समर्थकों के साथ थिएटर पहुंचकर फिल्म का आनंद लिया और बघेली भाषा में बनी इस फिल्म की सराहना करते हुए सभी कलाकारों को सराहा। अब देखना होगा कि इतने प्रचार के बाद बघेली भाषा की फिल्म प्रीति के बंधन पर्दे पर कितना जलवा बिखेर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। बघेली भाषा पर आधारित पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा और बहुत ही अच्छे थीम पर, बहुत अच्छी कहानी पर, समाज की कुरीति पर, हमारी भाषा पर जिस प्रकार से ये फिल्म का निर्माण किया गया है, मैं निर्माता सहित सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विंध्य में लंबे समय से ये मांग रही है कि जिस तरह से भोजपुरी भाषा में फिल्में बनती हैं, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम में फिल्में बनती हैं, बघेली भाषा में भी यदि फिल्में बनना शुरू हो जाएँ तो हमारे यहाँ इस फिल्म के माध्यम से भी रोज़गार के अवसर तैयार होंगे, कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी बघेली भाषा का प्रचार प्रसार भी होगा। तो मैं इस फिल्म की ये सफल होगी ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि फिल्म में जो कहानी है वो समाज की बुराइयों को समाप्त करने वाली है। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुख्य पात्र की भूमिका में हमारे द्विवेदी जी, चंद्रकांत द्विवेदी जी और पूजा तिवारी जी, सोना द्विवेदी जी, निर्माता यादव जी, सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आज जैसा पहला शो था, और हर मूवी का पहला शो जो है तो इतना ज़्यादा शायद चलता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे तक पब्लिक के कानों तक उसकी खबर जाती है। लेकिन हमारे विंध्यवासियों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि पूरा हाउसफुल जैसा था। और एक तो मंत्री जी आकर के जो है तो और शोभा बढ़ा दिए, अपने पूर्व मंत्री जी और विधायक जी, तो बहुत बड़ा उल्लास है। और हमारे जितने भी श्रोता दर्शक लोग आए हैं यहाँ देखे हैं, सबका हमारा हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय आपने अपनी भाषा के लिए और अपने इस भाई के लिए दिया है। तो शायद मैं ये आप सबका एहसान हमेशा याद रखूँगा और इच्छा जाहिर करूँगा भगवान से कि हमेशा आप सबका आभार इतना व्यक्त करने की हमको शक्ति प्रदान करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद समस्त विंध्यवासियों का, समस्त श्रोता दर्शकों का। हो चाहे दिल्ली हो चाहे शिमला हो, और रीवा को बताता हूँ तो रीवा का नाम बड़े पत्र से लिया जाता है कि हाँ रीवा है। और एक जमाना था कि रीवा को जानते थे पर ऐसे तो नहीं।